फ्रेंड्स, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे चिकन कबाब। इसके लिए हमें चाहिए हाफ टी स्पून लहसुन का पेस्ट, हाफ टी स्पून अदरक का पेस्ट, हाफ टी स्पून वाइट तिल है, और थोड़ा सा टेस्टिंग पाउडर, थोड़ी सी दो तीन चुटकी हल्दी, एक टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, एक टी स्पून यहाँ चिकन 65 मसाला है, ये सब हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे हम एक टी स्पून विनेगर, स्पून सोया सॉस, हम यहाँ पर 4 टीस्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे। थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे रेड। इसको पूरा मिक्स करके थोड़ी देर हम इसको भीगने के लिए छोड़ देंगे 10-15 मिनट के लिए। इसको मसाला पूरा अच्छे से हम लगा लेंगे इसे। हाफ टी स्पून नमक भी डालेंगे हम इसमें। इसको हम 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही ढक के रख देंगे। ये हमारा चिकन, जैसे ये मसाला सब ले चुका है, इसको हम फ्राई करेंगे। पर एक पैन ले लेंगे, इसमें ऑयल डालेंगे। थोड़ा गर्म होने दें, थोड़ा सा हम इसमें मेयोनीज डालेंगे, इसमें बहुत ही टेस्ट अच्छा आएगा। तो हम थोड़ा हाई फ्लेम पे ही रख के बनाएंगे। इसको अच्छे से रखकर 3-4 मिनट तक हम इसमें पका लेंगे। इसको
देखिए ये हमारे चिकन कबाब रेडी हो रहे हैं। अभी 2 मिनट इसको हम ऐसे ही कर लेंगे। ये हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं जिसको हम निकाल लेंगे। बाकी के भी कबाब हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। हमारे बाकी के कबाब भी हो गए हैं, इसको भी हम निकाल लेंगे। हमारे कबाब ने अच्छे बन चुके हैं। ऐसे ही मज़ेदार डिशेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।